वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार धमाका, बिजली बिल माफ, चंडीगढ़ से बड़ा धमाका। लाखों रुपए का बिजली बिल हो या डिफॉल्टर घोषित हुए हो आप या कुछ भी हो भाई, चाहे आपने 10 साल से नहीं भरा है, चाहे 20 साल से नहीं भरा है, चाहे आप जो है बिजली आपका चोरी पकड़ी गया हो तब आपको वो किया गया हो, तो भाई सब कुछ माफ कर दिया गया। सरकार ने बड़ा धमाका कर दिया है, सिर्फ मात्र इतने पैसे आपको भरने हैं और आपका सब कुछ वो कर दिया। चंडीगढ़ से अभी अभी की धमाकेदार ताजा खबर लेकर हाजिर हुए हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूँ। यदि आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई और कब चली गई, या तो आप मेरे साथ जुड़े नहीं या फिर मेरे को देखते नहीं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का लिंक दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ वाईएम योजना हरियाणा पर भी जुड़ेंगे। तो दोस्तों, जो बिजली बोर्ड के जो चेयरमैन हैं पी के दास जी, उनका ये जो है इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है, इसमें पूरी चीज समझ लेना कैसे कैसे आपका ये माफ होगा। 3600 रुपए जमा करने पर एक मुश्त पुराना बकाया बिल माफ कर दिया जाएगा। 3600 रुपए इकट्ठा आपको जमा करना होगा। ये कहाँ जमा किया जाएगा वो भी आपको बताएंगे, और ये आपके पास चाहे लाखों का हो, करोड़ों का, कितने का भी बिल हो, सब माफ होगा। सिर्फ इसके अंदर अगर कोई कंडीशन है तो वो ये कंडीशन है, 1 लाख से कम इनकम जिसकी भी है उन सभी परिवारों को बिजली बिल में राहत देने की सरकार ने तैयारी कर ली है। सरकार ने अंदर खाने फैसला ये ले लिया है। इसको लेकर साथियों, हरियाणा की मनोहर सरकार राज्य के अति गरीब परिवारों को बिजली बिलों में राहत देने की तैयारी में है। ये परिवार बीपीएल से नीचे 1 लाख से भी कम आय वाले परिवार हैं, तो जिसकी भी इनकम फैमिली आईडी के अंदर 1 लाख है उन सभी को, जो साथियों जो किसी कारण अपने बिजली के बिल जमा नहीं करा सके हैं, इन परिवारों को के लिए उपमंडल स्तर पर विशेष शिविर लगाने का आदेश दिया गया है। हरियाणा बिजली बोर्ड के चेयरमैन पी के दास ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गरीब परिवारों के लिए हम उपमंडल, यानी उपमंडल कहते हैं ब्लॉक लेवल पर, सतर कहते हैं लेवल, उप ब्लॉक लेवल पर शिविर यानी कैंप लगाने जा रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग एक्सियन सतर का अधिकारी करेगा, उस कैंप का जो हेड रहेगा वो एक्शन रहेगा। इतना ही नहीं, जो भी 1 लाख से कम आय वाले परिवार हैं, साथ ही किसी कारण से डिफॉल्टर हो गए हैं, इसके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू कर दी गई है। इन परिवारों को हमने 3600 की राशि जमा करने की स्कीम दी है। ये राशि देने पर एक मस्त पुराना सारा बकाया माफ कर दिया जाएगा, लेकिन 3 साल तक फिर वो परिवार बिजली की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। वो ये नहीं कि भाई 3 साल तक जो है फिर वो बिल ना भरे, फिर वो डिफॉल्टर हो जाए, फिर वो दोबारा चला जाए, नहीं, 3 साल तक वो किसी भी बिजली की योजना का फायदा नहीं ले पाएगा, यानी बिल माफी का फायदा नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों, 3600 रुपए में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, यानी एक बार में इकट्ठा 3600 रुपए दो, आप चाहे डिफॉल्टर हो, आपके पास चाहे करोड़ों का बिल हो, सारा माफ कर दिया जाएगा। इसको लेकर पूरा वो तैयार कर लिया गया है, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने बता दिया है, और इसको लेकर सितंबर महीने के अंदर ही, ये आप देखिए, उन्होंने बताया कि सितंबर माह में ही शिविर लगाने के लिए कहा गया है। इसमें अति गरीब परिवार, अति गरीब लाखों परिवारों को जो है इसका बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। सितंबर आज जो है 5 हो गई है, 4 सितंबर आज हो चुकी है, तो इस सितंबर महीने के अंदर अंदर ही जो है ये कैंप लगाए जाएंगे। हरियाणा के सभी ब्लॉक लेवल पर ये कैंप लगेंगे। जैसे इसके सभी जिलों के, 22 जिलों के सभी 150 के करीब करीब ब्लॉक जो हरियाणा के अंदर है, सभी ब्लॉकों की लिस्ट जारी होगी। मेरे साथ बने रहना, मेरे साथ जुड़े रहना, मैं लिस्ट आपको दिखाऊंगा और आपको तारीख भी बताऊंगा भाई आपके ब्लॉक में इस दिन लग रहा है। कंडीशन शर्त सिर्फ इसके अंदर एक है, फैमिली आईडी में आपकी इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए। शर्त यह नहीं है कि आपके पास करोड़ों का बिल है या लाखों का बिल है या फिर डिफॉल्टर, कोई नहीं, इस चीज की कोई शर्त नहीं है। सिर्फ शर्त है फैमिली आईडी इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए, फिर चाहे आपके पास चाहे कितने का ही बिल हो, वो सब आपका माफ कर दिया जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा है कि ये जो है 3 साल तक उक्त परिवार बिजली की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। बिजली की कोई भी योजना अगर सरकार लाती है तो उसका योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। और ये ऐसे होता है, मकान मरम्मत में आपने ले लिया, मकान मरम्मत का जब एक बार आप लाभ ले लेते हो तो फिर 10 साल तक जो है 10 साल के अंदर अंदर दोबारा मकान मरम्मत के लिए पैसे नहीं ले सकते। आपका मकान में नाम आ गया, मान लो नए मकान में, अगर नया मकान फिर आपको जो है 10 साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता है कि भाई 10 साल तक, अगले 10 साल तक आप जो है नए मकान के लिए दोबारा आवेदन फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसी तरह यह है, अगले 3 साल तक के लिए आप जो है जो ये बिल माफी की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते, फिर आपको जो है अपना बिल भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, 3600 रुपये राशि जमा करो,
इकट्ठा अपना बिल माफ करवाओ। फैमिली आईडी में जिसकी इनकम 1 लाख से कम है उनके लिए स्कीम है, और ये जो है जैसे इसकी लिस्ट रहता है वो जारी होंगी, ब्लॉक लेवल पर इसका बड़े बड़े कैंप जो है इसके लगाए जाएंगे, उन कैंपों में बिल माफी के वो कैंप रहेंगे, और वहाँ एक्सीएन जो होता है बिजली बोर्ड का अधिकारी, बड़ा अधिकारी होता है, वो उसका मॉनिटरिंग करेगा, वो उसकी देख रेख में, उसकी अध्यक्षता में ये सारे काम होंगे। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।